सो गाइज़ आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मैंने अपने पैरों के बीच में पिलो लगाया है। आप पिलो की जगह मैटरनिटी पिलो भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में खास ज़रूरत पड़ी नहीं थी तो सेकंड में भी मैंने लेना ज़रूरी नहीं समझा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी राजपूत एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। चलते हैं, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग खुद दे देते हो, मुझे अच्छा लगता है। और जिसमें से एक टॉपिक आज का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेगनेंसी में ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे सोएं, कैसे बैठें, कैसे उठें नहीं पता होता हमें, खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी में। सेकंड में तो काफी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी प्लीज हमें बताओ कैसे सोएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, इसी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे सोएं, कैसे उठें, कैसे बैठें। और अगर आप गलत पोजिशन में सोते हैं, गलत खड़े होते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं तो उससे आपको क्या दिक्कत हो सकती है वो भी बताऊंगी। तो हम अक्सर बहुत डाउट में रहते हैं कि यार हम सही सो रहे हैं ना, हम सही से बैठे हैं ना, बेबी को दिक्कत तो नहीं हो रही होगी ना, ऐसा मैं भी सोचती थी। बहुत ज्यादा जरूरी है जानना आप लोग के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप लोग का, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे साथ भी था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा मैं डाउट में रहती थी। मैं खुद यूट्यूब पर देखती थी, मैं एप्स वगैरह भी मैंने डाउनलोड कर रखे थे उन पर भी देखती थी, मैं बहुत लोगों से पूछती भी थी यार कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। बहुत मतलब मैं ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत वो रहती थी, मतलब कि ना सारी चीजें मेरे को अच्छी करनी है, बिल्कुल भी बच्चा अच्छे से होना चाहिए, बेबी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं खुद भी अच्छे से रहूं। तो ये सारी चीजें थी और मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत फूक फूक कर कदम रखे थे। आप लोग को भी रखना चाहिए सोच समझ के कि फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, बहुत रिस्क होता है। मेरे पास बहुत कॉमेंट आए, बहुत पढ़ती हूँ तो लिटरली दिल से बहुत ज्यादा दुख होता है कि काफी लोग ऐसे हैं जिनको 3 साल, 4 साल, 6 साल हो गए, उनको बेबी नहीं हो रहा, वो चाहते हैं, नहीं कंसीव हो रहा है या कंसीव होता है तो मिसकैरेज हो जाता है, बहुत दुख होता है। भगवान करे, मैं उन लोग के लिए प्रे करती हूँ कि जल्दी ही उनको माँ बनने का सौभाग्य मिले। ऊपर वाला माता रानी जल्दी जरूर सुनेगी आप लोग की। तो मैं आती हूँ मुद्दे पर। का जो कॉमेंट था वो ये था कि हम कैसे सोएं। सबसे पहला तो सोने का, तो सोने वाला जो है ना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोग को बता दूं, मैं वही चीजें बता रही हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, मुझे डॉक्टर ने बताया है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही इतनी ज्ञानी हूँ, जितना ज्ञान मुझे मिलता है उतना मैं आप लोग को बताऊंगी। और आप लोग के कॉमेंट आते तो मुझे उसका जवाब देना जरूरी होता है। बहुत होप से आप लोग पूछते हैं मुझसे कोई चीज, अच्छा लगता है, मुझे बताना चाहिए मुझे लगता है। सोने का सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ, जब भी आप सोने जाते हैं खासकर रात में, क्योंकि सबसे लंबी जो नींद होती है वो रात की होती है, तो जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो आप हमेशा माइंड में एक चीज रखें, दिमाग में बिठा के रखें, मुझे बाई करवट सोऊंगी तो मेरा बेबी बहुत सुरक्षित है। मुझे डॉक्टर ने फर्स्ट प्रेगनेंसी में बताया था, इवन अभी भी मैं गई थी जब डॉक्टर के पास, उन्होंने अभी भी मुझे सोने का, उठने बैठने का तरीका बताया। जब भी आप जाओगे डॉक्टर पास, अच्छे डॉक्टर होंगे, आपको जरूर बताएंगे। अदरवाइज कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जिनके पास आप जाओगे तो दवाइयां देंगे, बोलेंगे अच्छे ठीक है, अपना अच्छे से ध्यान रखना, दवाइयां खाना ठीक है, ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं बताते। लेकिन कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं जो आपको सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि मेरे को डॉक्टर हमेशा अच्छे मिले हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी और अभी भी सेकेंड में भी। तो मैं हमेशा याद रखती थी कि मुझे बाई करवट सोना है। अब मैं बताती हूँ बाई करवट सोने से फायदा क्या है, आपको भी और आपके बेबी को भी। ब्लड का सप्लाई बेबी को बहुत अच्छा जाता है। और सेकंड चीज, ऑब्वियसली अगर ब्लड सप्लाई अच्छा मिल रहा है उसको तो बेबी ऑब्वियसली सुरक्षित है, अच्छे से है, बढ़िया से है, मस्त में है,
तो बेबी को थोड़ा स्पेस भी अच्छा मिलता होगा, मेरे को ऐसा लगता है बाई करवट में, ऐसा मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब भी मैं बाई करवट सोती थी तो उसके मोमेंट भी अच्छे होते थे। तो सेकंड चीज आप लोग के लिए, आप सोच रहे हो हमारे लिए क्या अच्छा है, तो आप लोग के लिए ये अच्छा है, अगर कई बार क्या होता है हम सीधा सोते हैं, सीधा सोने से आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी सांस फूल सकती है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज मेरे साथ होती थी लेकिन मैं जो है ना, मेरे को पता नहीं चलता था क्या हो रहा है, बस ये लोग हाँ सीधा सोने से अच्छा लग रहा है। बट सीधा जब आप सोते हो तो देखना, कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो बेबी अनकंफर्टेबल लगता था। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जो है आपका टमी ऑब्वियसली बाहर आ जाता है, काफी बेबी मूवमेंट आपको फील होने लगता है, 6-7 मंथ में काफी अच्छे से फील होने लग जाता है। तो देखना बेबी अनकंफर्टेबल फील होगा आपको, मुझे तो बहुत ज्यादा होता था, ऐसा लगता था उसको दिक्कत हो रही है। सीधा जब हम सोते हैं, दाएं या बाएं करवट हम सो रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है बेबी को बहुत स्पेस मिल गया, बट अगर सीधा जब सोते हैं तो ऐसा लगता बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा है आपके पेट में, ऐसा लगता बिल्कुल स्ट्रेट आप हो जाते हैं, पेट बिल्कुल सपाट हो जाता है। तो ऑब्वियसली मेरे को ऐसा लगता है कि इसलिए सजेस्ट करते होंगे, और फर्स्ट रीजन मैं आप लोग को बताया कि यही होता है, ब्लड सप्लाई अच्छा मिलता है उसको बेबी को, और आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छी नींद ले पाती सोती थी, मुझे भी बहुत अच्छा फील होता था, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा बाई करवट थोड़ी सो सकते हैं और इतना लंबा टाइम थोड़ी हम सो पाएंगे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, मेरे साथ भी यही था, मैं ज्यादा देर तक नहीं सो पाते थे। तो क्या होता था, अगर आप बाई करवट नहीं सो रहे हो तो आप दाई करवट ले लो, दूसरा करवट ले लो, वो करवट भी अच्छा है, लेकिन कोशिश करो सबसे जो बेकार पोजीशन है वो है सीधा, आपको पीठ के बल नहीं सोना है। आप दिन में रेस्ट करते हो 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपको ऐसा लगता है, तो आप, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही मत लेटो, लेटो तो उस टाइम पे भी आप ये कर सकते हो कि आप अपनी कमर के नीचे तकिया लगा लो, उससे क्या होगा बेबी को थोड़ा सा स्पेस भी मिलेगा, आपकी कमर को भी बहुत आराम मिलेगा, आपको भी आराम मिलेगा, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। अच्छा, मैं जब लेटती हूँ करवट लेकर लेटती हूँ, या सीधी कभी अगर टीवी वगैरह देख रही हूँ बैठी हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने टांगों के बीच में या फिर टांगों के नीचे 2-3 पिलो लगा लेती हूँ, जिससे क्या होता है इतना रिलीफ मिलता है सच में। लिटरली टीवी देखना होगा या किसी से बात करना है या हम कुछ मोबाइल ही चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम टेक लगा के थोड़ा सा, जिसे हम कह सकते हैं सीधा लेटना तो नहीं बोलेंगे, हाफ होता है ना, हम टेक लगा के जैसे लेटे हैं हल्का फुल्का, इस तरीके से कर सकते हो 5-10-15 मिनट, आधे घंटे से कोई दिक्कत नहीं है। दिन में इवन मैं भी ऐसे ही लेट जाती हूँ, अपना पिलो वगैरह लगा लो कमर के नीचे और अपने कंधे के पास, पैरों के बीच में, पैरों के नीचे तो जरूर लगाएं, देखना आप लोग को खुद में भी बहुत आराम मिलेगा। मैं तो आज भी मैं बिना पिलो के नहीं, मैं नहीं लेट सकती ना बैठ सकती, मैं बैठती भी हूँ अगर पैर फैला के बैठती तो तकिया जरूर लगाती हूँ मैं पैरों के नीचे। तो ये तो हो गया हमारे लेटने का सही तरीका, लेकिन प्लीज आप लोग कोशिश करना जो रात में, क्योंकि सबसे लंबा टाइम होता है हमारा सोने का, तो सीधा मत सोना। देखो नींद जब आ जाती है उसके बाद कहाँ किसको ध्यान होता है, हम सीधा सो रहे हैं करवट सो रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो आप जो है बाई करवट से ही करो, कोशिश करो, उसके बाद तो हमें खुद ही होश नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आपके पेट में बेबी होता है, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, तो बेचैनी वैसे भी रहती है आपको। और सीधे सोने से एक चीज और भी आप लोग को, जब सीधा आप सोते हो तो बहुत बेचैनी सी भी होगी आपको, मैं इसलिए भी कह रही हूँ आप लोग को, तो कोशिश करना सीधा मत सोना, क्योंकि मुझे भी होती थी। और ऐसा नहीं है कि आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि मैं दाएं सो रही हूँ, बाएं करवट सो रही हूँ, सीधा नहीं सो रही हूँ, पता रहता है, सब पता रहता है। खासकर 7वें महीने के बाद से इतनी ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती है, इतनी घबराहट रहती है आपको कि आपको बहुत कम नींद आया करेगी। मैं तो 9वें महीने में तो मुझे अच्छे से याद है, 1 महीना तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दिन में सोती थी रात में जागती थी, मेरे साथ ये सीन था, क्योंकि उस टाइम तक मेरे दिमाग में ये चलता था कि पेन तो नहीं आ जाएगा, बेबी हो तो नहीं जाएगा, 9वां महीना लग गया है, तो ये कह सकते हो फर्स्ट बेबी का एक वो रहता है, एक एक्साइटमेंट कह सकते हो। मेरे को तो घबराहट के साथ साथ बड़ी एक्साइटेड भी रहती थी, कभी भी बेबी आ सकता है, कभी भी मुझे पेन आ सकता है, तो मैं घबराती भी रहती थी, इसलिए घबराती थी कि यार कैसा दर्द होगा, कैसे हो जाएगा, कैसे क्या करूंगी, मैं कर लूंगी ना, मुझे तो भरोसा भी नहीं था अपने पर। बट मेरा फर्स्ट बेबी नॉर्मल हुआ है, आप लोग को बता दूं, और अच्छे से हुआ है। एक वीडियो बनाऊंगी मैं इसके ऊपर, आप लोग जरूर देखना कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी, मैंने कहते हैं कि खुद के हाथ में नहीं होता, लेकिन मेरी नॉर्मल डिलीवरी मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथ में थी, मैंने जितना कुछ किया, क्योंकि मेरी फैमिली भी, अजय जी भी, कोई नहीं कहता था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ, बट मैंने किया। मैंने बोला ना, मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत, मैं ऐसी थी, इतनी ज्यादा सतर्क
रहती थी मैं बच्चे को लेकर, अपने आप को लेकर, कि नहीं मुझे करना है, अच्छे से करना, मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करूंगी। उसके लिए मैंने क्या क्या किया वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। वीडियो देखना इसके बाद, मैं जरूर वीडियो, अभी मेरी सेकंड वीडियो जो है वो आएगी, मेरा जो है सेकंड ट्राइमेस्टर का डाइट प्लान जो है वो शेयर करूंगी, उसके बाद वो वीडियो आएगी। देखना आप नॉर्मल डिलीवरी के मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया था। देखो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बेबी ने आपके पेट में पॉटी कर दिया है या बेबी उल्टा है, बहुत दो तीन चीजें ऐसी होती है, वो आपके हाथ में नहीं होता। अदरवाइज कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप अगर फॉलो करते हो स्टार्टिंग से, तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ आपके साथ नॉर्मल होगा, सब अच्छा होगा, जैसे कि मैंने किया। स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कैसे मैं सो रही हूँ, कैसे उठ रही हूँ, कैसे बैठ रही हूँ, तो उस वीडियो को आप फॉलो करना। मैंने इसलिए बताया, कई लोग को नहीं पता होता कि सिर्फ बता रही हूँ, लेकिन कई लोग को नहीं पता होता कि कैसे क्या सोना है, कैसे उठना बैठना है। आप लोग को वीडियो से ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, तो सोने का सही तरीका। अब सेकंड जो है बैठने का सही तरीका। तो बैठने का मैं आप लोग को बता दूं, आपने इतनी देर में मेरे को देखा होगा, मैं एक ही पोजिशन में नहीं बैठी रही, हिलती डुलती रही हूँ। उसका कारण मैं आप लोग को बता दूं, कभी भी आप 15 से 20 मिनट तक एक ही पोजीशन में मत बैठना। एंड आपकी बॉडी जरूर होनी चाहिए, हिलते डुलते रहो थोड़ा बहुत। हिलता ना डुलने का मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी हिल रहे हो आप, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करते रहो। कभी आप, आपको लगता है तो, जैसे होता है ना कई बार हम पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से फोन पर या जो भी है, देन आप जो है थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाओ, फिर थोड़ा सा मतलब अपने हाथ उत को थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना नॉर्मल स्ट्रेच वगैरह कर सकते हो, और बॉडी नॉर्मल मूवमेंट करते रहो आप हल्का फुल्का। ऐसा नहीं है कि आप एक पोजीशन में कोई भी काम कर रहे हो तो मूवमेंट बॉडी को जरूर आप करते रहो। कई लोग होते हैं एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठे हैं, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो सही तरीका जो बैठने का वो ये है, सबसे पहले तो ये कि आप लोग जब भी बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, हालांकि ये तो चेयर है, चेयर का तो आप लोग को पता ही है, इसकी वीडियो भी मैंने स्पेशली बनाकर डाली हुई है, आप लोग जरूर देखना। तो इस पर तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, कमर को सर को मतलब थकावट ही नहीं होती। इस चेयर तो बहुत अच्छी है, इसमें तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। अदरवाइज आप लोग नॉर्मल चेयर पे बैठ रहे हैं या बेड पे बैठ रहे हैं, तो आप लोग को मैं बता दूं, कमर के पीछे आप पिलो जरूर लगाएं, बिना टेक लगाए ना ही बैठे तो ही अच्छा है, क्योंकि ज्यादा देर आप देखो सीधा तो नहीं बैठ सकते हो, उससे क्या होगा आपको ऑब्वियसली कमर में दर्द होगा, और तो प्रेगनेंसी में तो खैर रहता ही है। तो कोशिश करो हल्का सा आप टेक लगा के बैठ जाओ, और आप नॉर्मल बैठे हैं कहीं तो कोशिश करो आप सीधा बैठो। अब देखो आप लोग कह रहे हो सीधा तो हम ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, जी हाँ नहीं बैठ सकते। तो अगर नहीं बैठ सकते तो हल्का सा, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल, हल्का सा टेक लगा के बैठो आप। 4 मंथ के बाद बेबी आप लोग खुद फील करोगे, 3 मंथ तक नहीं, 3 मंथ तक बहुत स्लो होता है, बट 4th मंथ के बाद आप देखना बेबी इतनी जल्दी ग्रोथ करता है, तेजी से ग्रोथ करता है, आपको खुद ही फील होगा। 4th मंथ के बाद हल्का फुल्का सबका टमी दिखने लग जाता है, जैसा कि मेरा भी दिख रहा है। तो अभी भी देखो मैं हल्का सा बैठी हूँ, तो देखो ये चीज है ना, यहाँ देखो हल्का, अभी देखो मैं ज्यादा झुकूंगी तो ये आपका जो सीना है वो पेट को ऐसे छूता है, जो कि नहीं छूना चाहिए। आपका बढ़ता पेट जो है ना उसको दिक्कत होगी, ऑब्वियसली ग्रोथ हो रही है तो पेट आपका बढ़ेगा बढ़ेगा, और आपको भी दिक्कत होगी, उससे सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है और बेबी को भी हो सकती है। मैं आप लोग को मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं कई बार ऐसे झुककर बैठ जाती हूँ, कई बार ऑब्वियसली जब बैठती हैं तो सीना बिल्कुल ऐसे पेट को छूता ही छूता है, तो ऐसी फीलिंग आती है। देखो ऐसा तो है नहीं बेबी बहुत बड़ा हो गया है, 5 महीने का बच्चा कोई ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन हाँ इतना हो जाता है कि घूमता है पेट में, हमें बेशक पता ना चले। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है बच्चा बड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है, उसको जगह ही नहीं मिल रही है, कि मतलब होता ना जैसे दब सा रहा हो, तो उसको तो स्पेस दो, ऑब्वियसली पेट बढ़ रहा है, बेबी बढ़ रहा है तो उसको स्पेस तो चाहिए। अब तो उस पर ऑब्वियसली आप झुककर बैठ रहे हो, पेट दब रहा है तो दिक्कत तो होगी, बेबी को भी होगी आपको भी होगी। तो कोशिश करें, देखिए हल्का सा, अभी तो मैं चेयर पे हूँ तो नॉर्मल आप लोग से बात कर रही हूँ, अदरवाइज आप पीछे के साइड सर को करके हल्का सा, और पीछे अगर पिलो लगाओ तो ऑब्वियसली आपका जो ये चीज है ऐसे बाहर आएगा, तो इससे क्या रहेगा, बेबी को पूरी जगह मिल रही है, अच्छे से अपना जो भी है उसको घूमना फिरना है मजे करना है कर रहा है वो, और आप भी देखो बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो और आपको भी दिक्कत नहीं होगी इससे। तो इस तरीके से बैठने का तो सही पोजीशन यही है, मैं तो यही करती हूँ, और सीधा आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते कि सीधा बैठोगे तो बेबी को दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा देर नहीं, अगर 10-15 मिनट तो नॉर्मल है, सीधा बैठ सकते हो आप। तो ये तो था हमारा सही बैठने का तरीका। अब आप लोग सोचते होंगे कि जब हम बैठे हैं तो खड़े कैसे हों, तो हमेशा ऑब्वियसली
बहुत देर तक आप बैठे हो तो एकदम खड़े भी ना हो, थोड़ा सा हिल डुल लें, रिलैक्स कर लें, उसके बाद ही खड़े हो। और खड़े होकर पहले देख लो कि नॉर्मल हो ना, कई बार तो भाई मेरे को तो चक्कर आ जाते हैं कई बार, तो क्योंकि बहुत देर तक आप बैठे हो अचानक खड़े होते हो, ऑब्वियसली बहुत लोग के साथ होता है, प्रेगनेंसी में तो हो ही जाता है, तो वीकनेस होती है हल्की फुल्की, तो हो जाता है। तो पहले देख लो नॉर्मल है, थोड़ी देर खड़े रहो, नॉर्मल बॉडी को थोड़ा सा अपना जो है हिला डुला लो, और नॉर्मल लगे तो ही आगे बढ़ो, अदरवाइज आप बैठ जाओ दोबारा से। तो ये तो था हमारा जो है बैठने का सही तरीका। और एक मैं आपको झुकने का भी बताती हूँ कि आप जब भी खड़े होकर कोई सामान नीचे से लेते हैं तो कैसे झुक कर लेंगे। तो हमेशा पैरों को बैंड करके ही बैठ कर ही लें, ऐसा नहीं है सीधे स्ट्रेट बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल डेज में करते हैं, नॉर्मल जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते तब करते हैं कि नॉर्मल उठा लिया बिना बैंड किए पैर को, आलस में होता है ना, बट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं करना आप। तो पैरों को बैंड करके नीचे बैठकर ही सामान उठाना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब मैं बताती हूँ आपको जब आप सो रहे हैं सोकर आपको उठना कैसे है, ये बहुत जरूरी है मैं आप लोग को बताऊं। क्योंकि पता है क्या होता है, आप देखना कभी डॉक्टर भी आपको ये बताती होगी और बताएगी अगर आप जाओगे तो, कि आप सीधे सो रहे, सीधे ऐसे उठना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठना, भूल कर भी मत करना ये। क्योंकि आपको देखना इससे कभी अगर आपने किया होगा आप लोग को पता होगा दिक्कत, आपको खुद दिक्कत होती होगी, बेबी भी ऐसा आपको फील होता होगा, जिस पेट में हल्का पेन भी हो जाता होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं सीधा मत उठना, कभी भी आप सो रहे हो तो स्ट्रेट आपको सीधा नहीं उठना है, डॉक्टर भी मना करता है। जब भी आप उठो सो रहे हो करवट, जैसे मैंने आपको बताया ना करवट सोना है, करवट ही आपको उठना भी है, करवट लेकर। मैं आपको आप मेरी स्टार्टिंग में वीडियो आपने देखी होगी मैं करवट लेकर कैसे उठ रही हूँ, तो सीधा नहीं उठना है। सीधा उठते हो तो ऑब्वियसली इतने देर से आप सीधे सो रखे थे, बेबी किस पोजिशन में अंदर है किस पोजिशन में नहीं आपको तो नहीं मालूम ना, तो उससे आपको तो दिक्कत हो सकती है, बेबी को भी हो सकती है, ऐसा मैं फील करती हूँ। तो करवट लेकर आप उठते हो तो ज्यादा बेस्ट है, डॉक्टर भी बोलते हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर गलत नहीं बोलेंगे। तो आप करवट लेकर ही उठो, जब भी उठो करवट लेकर उठो। आप जब इतनी देर रिलैक्स करते हो या इतनी देर लेटे होते हो और एक अचानक उठते हो और अचानक चलते हो तो आपको चक्कर आ सकता है, जैसा कि मेरे साथ भी अभी भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, मैं खुद भी ये गलती एक दो बार कर देती हूँ, अभी भी कर देती हूँ, बट जब मेरे को याद होता है तो मैं नहीं करती हूँ, जब मुझे लगता है कि नहीं यार अचानक उठकर मुझे नहीं चलना चाहिए। तो करवट जब आप उठकर बैठती हो तो थोड़ी देर बैठे रहो, पहले देख लो रिलैक्स कर लो कि हाँ ठीक है सब नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है, तो खड़े हो उसके बाद ही आप खड़े हो, खड़े होकर भी देख लो आप अच्छा फील कर रहे हो तभी आगे बढ़ो, अदरवाइज आपको चक्कर आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, जैसा कि मेरे साथ भी हो जाता है। तो वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो चुकी है, कहा कि एक एक को मैं कमेंट करूंगी, इससे अच्छा है कि एक से हजार को फायदा होगा तो ज्यादा अच्छा है। और ये चीजें फर्स्ट बेबी में मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी, बट सेकंड बेबी है तो मेरे को सारी चीजें याद है, मैं करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करना, जिससे कि आप लोग आपकी डिलीवरी अच्छी हो, आपका बेबी अच्छा हो, आप खुद भी अच्छे रहो। कमेंट जरूर करना, कमेंट करते हो बहुत लिटरली अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि उसी बेस पे मेरे को कुछ टॉपिक भी मिल जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा मुझे इस पर भी वीडियो बनानी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो मेरे दिमाग में तो रहता ही नहीं, आप लोग जब पूछते हो तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर भी वीडियो बनानी चाहिए। तो जितना पता रहता है मैं उतना जरूर आप लोग को बताती हूँ और सही बताती हूँ, उतना ही बताती हूँ जो डॉक्टर मुझे बताते हैं या जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है वही बताती हूँ, फालतू नहीं। वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, कमेंट करते हो आप लोग बहुत अच्छा लगता है और मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ, आप लोग को पता है कि मुझे नहीं लगता किसी का रिप्लाई अभी तक मैंने नहीं किया होगा, मैं सबका करती हूँ, मैं टाइम निकाल कर करती हूँ, मेरे पास जैसे ही टाइम होता है मैं तुरंत उसका रिप्लाई करती हूँ कि भाई हाँ किसी ने इतने आशा से आपसे कुछ पूछा है तो उसका जवाब देना चाहिए। अगर जिनका नहीं दे पाती हूँ उनके लिए मैं ऐसा वीडियोस बनाती हूँ, मैं रिप्लाई करने के बाद भी वीडियो बनाती हूँ कि एक ने पूछा है, दो ने पूछा है, तो हजार के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कई बार होता है कि हम नहीं पूछते हैं, नहीं पता होता, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो भी आप लोग करते हो, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है आप लोग पूछते हो, मुझे बताने में भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे टॉपिक मिल जाता है। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए